الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد महतरम हज़रत ख़्वीन और नाज्रन और नाजिरात आज सूरत नहल की आयतें भी पढ़ी गई थीं और बनी इसराइल की आयतें भी पढ़ी गईं अल्लाह ताला की एक एक आयत अल्लाह का कलाम हमसे तो तकाज़ा करता है कि हर हर आयत पर तदब्बर करें गौर करें लेकिन बहर हाल पूरा जब नहीं हो पाता है तो कुछ ना कुछ हमको जो ना हासिल करना है تو آج گفتگو جس آیت کا انتخاب کیا تو رب العالمين کا فرمان وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا <applause> اس آیت اندر اللہ رب العالمين सबसे पहले अपना हक बता रहे हैं वब्ब का अल्लाबा तुम्हारे रब ने यह फैसला किया है कि तुम सब उसके अलावा किसी और की बंदगी ना करो आज कितने ऐसे मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं कि हम भी मोमिन हैं अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं तो एक तरफ ज़बानी दावा तो होता है लेकिन दूसरी तरफ अपने अमल से ये साबित करते हैं कि हम अकेले अल्लाह को अपना मबूद नहीं समझते बल्कि अल्लाह ताला के साथ साथ और भी हैं जो अल्लाह के काम कर सकते हैं इस अक़ीदे के साथ किसी वली की कब्र पर चक्कर लगाते हैं या किसी और ज़िंदा मुर्दा किसी को भी किसी नबी का सहारा लेना चाहते हैं मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं हती के बेजान चीज़ों का सहारा लेते हैं ज़्यादातर लोग यही देखने में आता है कि अपने कलाई में या अपने पैरों में अपने कमर में अपने गले में काले धागे डाले हुए नज़र आते हैं और उनका अकीदा यही होता है कि ये काला धागा पता नहीं किसका बनाया हुआ है क्या है मगर मैं काला धागा अगर कलाई पर बांध लिया या पैर पे बांध लिया या कमर पर बांध लिया या बाजू पे बांध लिया तो ये काला धागा मुझे बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है तकलीफ़ों से दूर करता है बीमारियों से मुझको नजात देता है ऐसे क्या क्या अकीदे नहीं रखते हैं हालांकि ये सब काम बीमारियों से शिफा देना और आफतें दूर करना और परेशानियां दूर करना या फिर मौत और हयात का मालिक ये सब सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम भी मोमिन हैं हम भी मुसलमान हैं मगर उनका अमल ये बताता है कि वो मुशरिक हैं शिरक सिर्फ़ ये नहीं है कि अल्लाह ताला को छोड़कर किसी को अपना माबूद बना लेना यही सिर्फ शिरक नहीं है बल्कि अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए अल्लाह ताला जो काम सिर्फ कर सकता है अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता ऐसे किसी भी काम में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना यह भी शिरक है अल्लाह ताला की इबादतों में जैसे कि ताजीम जी और जो ना इसानत मदद मांगना ये जो ना अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगनी चाहिए तजीम और खौफ है उम्मीद है उम्मीद जैसे बंदा अल्लाह ताला से कर सकता है किसी से कोई उम्मीद वैसे नहीं लगा सकता डर भी अल्लाह ताला का जैसे होना चाहिए वैसा डर एक तो हमारे पास फितरी डर होता है जैसे किसी जानवर को देख कर जैसे बहुत सारे लोग जी चिपकली को देख डरते हैं झिंगुर को देख डरते हैं या कोई दरिंदा है तो उससे डरना करना ये एक फितरी खौफ है फितरी डर है ये Allah ताला से जैसे डरा उसके बराबर ये चीज़ ना नहीं होती है लेकिन अल्लाह ताला से डरना कि अगर मैंने अल्लाह ताला के ये अहकाम बजा नहीं लाया तो पता नहीं अल्लाह तला मेरे साथ क्या मामला कर दे इस तरह से डरना ये इस तरह का खौफ और ऐसा डर अल्लाह के अलावा किसी और से बिल्कुल भी नहीं डरना है जैसे कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर हमने फ़लाँ वली की जो नज़र मानी है जो मन्नत मानी है वो अगर हमने पूरी नहीं की तो पता नहीं ये वली हमारे ऊपर क्या क्या मुसीबतें लेकर आएंगे और हमारे घर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा तो इस तरह का ये डर और ये खौफ सिवाय अल्लाह के और किसी से बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसीलिए सूर्य यूसुफ़ की आयत में अल्लाह ताला ये बताते हैं वीन अक्सर कि हाँ बहुत सारे बंदे ईमान तो रखते हैं अल्लाह पर मगर उसी के साथ साथ अल्लाह के साथ शिरक भी करते हैं तो खालस अल्लाह पर ईमान और अल्लाह की बंदगी तभी वो नजात मुमकिन है अगर अल्लाह पर ईमान भी हो और साथ में अल्लाह ताला के कामों में उसकी सिफात में अगर हम किसी और को शरीक कर दे तो फिर हमारा अपना जो ना क्या है ईमान ईमान नहीं रहेगा हम मुशरिकों में हमारा भी शुमार हो जाएगा अल्लाह ताला की सिफत के सब कुछ जानता है ग़ैब का भी इल्म है ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हमको साबित करना है अल्लाह के अलावा हमने किसी नबी के बारे में यह दावा किया किसी वली के बारे में हमने यह अगर दावा किया और अकीदा तो हमारा शुमार मुशरिक में होगा तो लोग शिरक क्या है यह ना जानने की वजह से कामों में शिर बातों में मुबतला हो जाते हैं जी शायद मैंने इससे पहले भी बात बताई कि किस तरह से आम तौर पर किसी को जो ना क्या है कहीं सफर वगैरह पर भेजते हैं रुख्सत करते हैं तो जबानों पर आमतौर पर यह बात आती है कि अल्लाह रसूल की अमानत में जाओ बोलते Allah की अमानत होनी है बस रसूल कुछ भी अमान नहीं दे सकते हैं रसूल के हाथ में अल्लाह ये इख्तियार नहीं दिया है कि आप जो किसी को जो ना अमन वमान दे सकें बोल ये सिर्फ अल्लाह ताला का, का काम है मगर कदीम जमाने से ऐसे ही औरतों की जबान में बड़े लोगों की जबान में ये चीज चढ़ी हुई है कि हाँ अल्लाह रसूल की अमानत में जाओ बोल के बोल देते हैं अल्लाह के नबी सल्हसम के पास एक बंदा आकर कहता है कुछ जरूरत की बातें उसको जरूरत होती है तो आकर क्या कहता है कि मा शाह अल्लाह वशीत अल्लाह और आप जो चाहें वो होगा बोल के फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं अजाल तनी लाला ही निदन बल मा शाह वाहदा क्या तुम मुझे अल्लाह के बराबर कर दिए कि अल्लाह जो चाहेगा और मैं जो चाहूंगा वैसे होगा हरगिज नहीं क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया बल्कि सिर्फ़ इतना कहो कि जो अल्लाह चाहे वो होगा बल्कि ठीक है तो इस तरह से ये अल्लाह ताला का बुनियादी हक उसकी इबादत तो उसकी इबादत करते हुए अगर दूसरों के हक़ में भी हमने इस तरह के अकीदे अगर रख लिए चाहे वो किसी ज़िंदा के हक़ में या किसी बेजान चीज़ के हक में किसी जानवर के हक में किसी दरख्त के हक़ में बहुत सारे बिल्कुल इस तरह से लोग मुसलमान ऐसे ऐसे शर्किया आमाल में नज़र आते हैं कि बस अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमाए फिर उसके बाद दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने अपना हक बताने के बाद इस दुनिया में जिसका सबसे बड़ा हक है अल्लाह ताला वो बता रहे हैं विलवालिदीन एहसाना अपने वालदी के साथ हसन सलूक करो अच्छा बर्ताव करो अपनी बातों के जरिए भी ऐसी बातें करो कि जिससे उनको खुशी हासिल हो और ऐसे काम कि जिनको देखकर उनको खुशी हासिल हो और वो तुमसे राज़ी रहें कोई ऐसा काम हरगिज भी सरजद नहीं होना है कि तुम्हारी किसी हरकत से तुम्हारी किसी बात से तुम्हारी किसी काम से उनको अगर तकलीफ़ हुई और अगर वो नाराज़ हो गए तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज़ होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताते हैं कि रिदल्ल या रिदर रबी फ़ी रिजल वालिदेन व सुख वसुखल्ला या वसुख रब्बी फ़ी सुखल वालिदैन कहकर रब की रिजा रजामंदी वालिदैन की रजामंदी पर मुनहसिर है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हैं तो तुम्हारा रब भी तुमसे खुश है और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे अगर नाराज़ हैं तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज़ होगा सही बात तो यह है कि कोई भी मर्द या औरत अपने माँ बाप क्या हैं उनकी क्या कदर कीमत है उनके क्या हकूक़ हैं ये उस वक्त तक नहीं जानता जब तक कि वो ख़ुद बाप और माँ नहीं बन जाते जब एक लड़का बाप बन जाए और एक लड़की माँ बन जाए और उसके बाद वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देते हैं हर चीज की बिल्कुल जब वो कुर्बानियां देते हैं तो ऐसे में जो वाकई समझदार होता है जो बिल्कुल जो ना क्या है होशमंद होता है तो उस वक्त उसको सही मानों में एहसास होता है कि मैं जब अपने बच्चों के लिए इस कदर कुर्बानियां दे रहा हूं मेहनत कर रहा हूं मोटा ढाटा मैं खाकर बच्चों को अच्छा खिलाने की कोशिश करता हूं फटा पुराना मैं पहनकर कर बच्चों को अच्छा पहनाने की कोशिश करता हूं बच्चों की राहत के लिए मैं अपनी नींदें कुर्बान करता हूं मैं अपने आप को थकाता हूं औरत और भी यही सब जाना करती है सब करती है तो तब सही मानों में एहसास होना चाहिए कि हमारे अपने माँ बाप भी तो इस उम्र में जब हम ऐसे थे हमारे साथ पता नहीं उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी होंगी उन पर कैसी कैसी तकलीफें नहीं आई होंगी ये सब जो क्या है आदमी को समझना चाहिए सोचना चाहिए लेकिन अल्लाह ताला जिसको वाकई होश दिया हुआ है अकल की न्यामत से नवाजा है और वो आदमी जब सोचता है तो वाक़ी उसको अपने वालदे की कदर और कीमत मालूम होती है और फिर उसके बाद वो अपने वालदे और अपने माँ बाप के साथ वो जो ना बर्ताव करता है कि अब तक वो उससे जो न बिल्कुल दूर रहा हो लेकिन कितने ऐसे बंदे होते हैं कि जो अपने बच्चों के साथ हकीकत में उनको ख़ुद अपने बच्चों के लिए कोई ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं दी रहती हैं उन्होंने तो समझते हैं कि बस ऐसे ही शायद हमारे माँ बाप भी हमारे साथ ऐसे ही जो ना कह के करके चले गए हों तो ये अल्लाह ताला ने अपने हक़ के साथ किसी का हक जोड़ कर बताया है तो वो माँ बाप ही का हक़ कुरान मजीद की कई आयतों में अल्लाह ताला ने ये बात बताई है बाकायदा अपने हक के साथ फौरन वालिदैन का हक जोड़ कर यह बताने के लिए कि जिस तरह से अल्लाह ताला तुम्हारा मुहसिन है अल्लाह ताला ने तुम पर इनाम किया वैसे ही तुम्हारे अपने माँ बाप भी तुम्हारे अपने मुनम मजाजी हैं अल्लाह ताला हकीकी मोहसिन है और मजाजन तुम्हारे अपने माँ बाप का भी तुम पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर वो नहीं होते तो तुम भी नहीं होते इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों का हक शुक्र अदा करने का कि जैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए वैसे ही माँ बाप का भी शुक्र अदा करना चाहिए उसके लिए ये मिलाकर अल्लाह ताला ने बात बताई है आगे आयतों में अल्लाह ताला तमा यबुल दल की इंदकल किबरा अहदुहुमा औ हम फला तकुल लहुमा उफ कि अगर माँ बाप में से कोई एक या दोनों के दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे यहां इल्म एक बहुत ही लतीफ नुकता बताते हैं कि मां बाप जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो उनको अपनी औलाद के पास होना चाहिए औलाद वो नहीं जो अपने मां बाप को उनके बुढ़ापे में अकेले में छोड़ देते हैं किसी ओल्ड एज होम में ले जाकर ढकेल के चले आते हैं कि थोड़ी बहुत पैसे उनकी देखभाल के लिए ओल्ड एज होम को दे दिया और समझते हैं कि हम अपने माँ बाप को जिंदा रहने का उनका हक जो हम दे रहे हैं अल्लाह ताला बताते हैं कि इम्मा यब इंदका कि क्या इंसान तुम्हारे पास रहते हुए तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे फ़ला तुमा उफ़ तो उस मौके पर उनसे उफ तक ना कहो यानि उनकी किसी हरकत पर उनकी किसी बात पर उनकी किसी तमन्ना और ख्वाहिश पर उफ ये क्या कह दिया माँ ने या ये क्या कह दिया बाप ने यह क्या कर दिया इसने इस तरह की जो ना क्या है उफ तक ना कहो ये अल्लाह ताला की तालीम है क्योंकि जो हक या जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं तुम्हें पाल पोस कर जो आदमी बनाया इंसान बनाया और जो कुछ मिला तुमने हासिल किया है ये सब उनका एहसान तुम पर है जो जिंदगी भर तुम उसको जना अदा नहीं कर सकते तो इसलिए जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं तो तुम्हारे सहारे की तुम्हारे अपने मदद की उनको जरूरत है ऐसे वक्त में और ऐसी उम्र में अपने के साथ उनके लिए ना अपनी जबान से ना अपनी हरकतों से कोई ऐसा अमल हो कि जिससे उनको तकलीफ पहुंचे तो उफ तक ना कहने के लिए अल्लाह हमको बता रहे फला तक वला तरह और ना ही उनको झिड़को क्या रोजाना ये तुम्हारी बुमड़ी ये ऐसा तुम हमेशा करते रहते क्या क्या नहीं करते लोग अपने माँ बाप के साथ जी वो माँ बाप जो उनको पाल पोस कर इतना बढ़ा दिए बना दिए सब कुछ कर दिया तो ऐसे माँ बाप के साथ कब करता है आदमी ख़ास कर जब बीवी बच्चे आ गए बीवी की बातों में आकर या बच्चों की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो जाता है और अपने माँ बाप को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है या उनको झिड़कने लगता है वला तन हर हुमां वकुल्ल करीमा उनसे जो भी बात कहनी है तो इज्जत के साथ और बिल्कुल शरीफाना तरीके से उनसे ना बात करो ये अल्लाह हमको हुक्म दे रहे हैं ये सब आगे अल्लाह ताला हमको बता क्या रहे हैं वकफिज लहुमा जना हजुल्ल मिनर रह और अपने माँ बाप के लिए नरम पहलू इख्तियार करो वक्फिज लहुमा जना हजुल्ली मिनर रह आजिजी के साथ बिल्कुल नयाज मंदाना अंदाज में उनके लिए झुक जाओ और उनके लिए दुआ करते रहो अल्लाह ताला ने खुद हमको ये दुआ सिखाई है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आखिर माँ बाप के हक़ में दुआ करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको अल्फाज दिए हैं तो फिर ये माँ बाप इनका हक कितना बड़ा होगा कि अल्लाह ताला के दिए हुए अल्फाज में हम उनके हक में दुआ करें कि रब्बर हम हुमा कमा रबानी सगीरा इससे बेहतर और कोई जो ना उनके हक में दुआ करने के लिए अल्फाज हो नहीं सकते हैं कि हमारे अपने परवरदिगार ने अपने कलाम के जरिए हमको जो ना ये दुआ करने की हिदायत दी है रब हम कमा रबानी सगीरा कहकर कि उन पर रहमत की तो बारिश फरमा किसके बदले क्या किया उन्होंने तो अल्लाह ताला ने खुद बताया कि कमा रब्बयानी सगीरा कि जैसे मेरे बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की मुझे पाला पोसा उसी का हवाला देकर अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं वक़ुर रब्ब राम कमा कमार्ब यानी सगीरा कहकर तो ये माँ बाप का हक इतना बड़ा होता है बावजूद इसके के मुशरिक अल्लाह ताला के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा है उससे बढ़कर और कोई मबगूज अल्लाह ताला के पास नहीं हो सकता जिससे अल्लाह ताला बग्ज रखता हो मगर इसके बावजूद माँ बाप भी अगर अल्लाह हों बता रहे हैं कि ऐसे माँ बाप के साथ भी दुनियावी मुआमलात में हुस्न सुलूक से काम लो सादुबनआबी वक्कास रज अल्लाह तन बयान करते हैं कि उनके बहुत कई वाकयात ऐसे कि जिसकी वजह से कुरान करीम की आयतें उतरी मुल्के तो एक आयत सूर्य लकमान में जो अल्लाह ताला ने बताई है तो वो शायद उबनबी बताते हैं कि हाँ मेरे ही वजह से अल्लाह ताला ने तबब नज़ूल मेरी अपनी माँ का वाकया है तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी बोल के बताते हैं व इन जहादा कालांतुश्री कभी माँ सला कभी फ़ला तो हम व साहिब हम फि दुनिया मरूफा मुल्के सायद उबनबी वक़ादी अल्लाह तुम बताते हैं कि मेरी माँ ने नज़र मान ली थी कसम खा ली थी कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं कुछ नहीं करूंगी जब तक कि तू मोहम्मद का साथ छोड़कर वापस ना आ जाए शायद अबी वक्स ने अपनी माँ को जवाब में भेजा लिख कर बल्कि माँ ने ताना भी दिया था शायद अबी वक्स को कि अगर तू अपने दीन को छोड़कर फिर कर वापस नहीं आ गया मैं ऐसे ही भूखी प्यासी मर जाऊंगी और बाद में लोग तुझे ताना देंगे कि अपनी माँ का कतिल बोल के तो साद नबी वक्स ने अपनी माँ को यही जवाब दिया कि अम्मा जान आपकी एक जान नहीं बल्कि सौ जान अल्लाह ताला तुमको दिया रहा और एक एक जान निकलती जाती निकलती जाती सौ की सौ जाने भी निकल जाएं फिर भी मैं मोहम्मद अलैहि वसल्लम को छोड़कर और इस दीन को छोड़कर कर फिरने वाला नहीं बोलगा तो तब अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी कि व इन जहादा का अलांतुश्री का भी माँ सलाम उनफला तो तेहुमा कि अगर तुम्हारे माँ बाप जो मुशरक हैं वो अगर तुमको जोर देते हैं दबाव डालते हैं तुम पर कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करो ऐसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ जिसका तुम्हें इल्म नहीं है कि ये अल्लाह के शरीक कोई चीज नहीं हो सकती है तो अल्लाह ने कहा कि ऐसी सूरत में अपने मां बाप की भी बात मत मानो फला तो क्योंकि हमको एक कायदा बता दिया गया ला तखलूकन फी मसीतल खालिक खालिक की जहां मासीत और नाफरमानी हो वहां किसी मखलूक़ की इताद जायज़ नहीं है चाहे वो मखलूक हमारे अपने माँ बाप भी क्यों ना हो हमारे अपने माँ बाप नमाज़ छोड़ कर कोई और काम करने के लिए हमें कहें तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे हमारे अपने माँ बाप अगर हमें मुतालबा करते हैं कि चलो फुला जो ना क्या है दरगाह को चक, चक्कर लगा कर आएँगे फ़लाँ वली के पास जाकर आएँगे उनकी बात बिल्कुल नहीं मानना उनके साथ जाना नहीं है लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ इस मामले में उनकी इतात मत करो वसाब हम फिर दुनिया मरूफा मगर दुनियावी मुआमलात में उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ आस्मा बिन थ अभी बकरा जब मदीने में थी तो उनकी माँ अभी इस्लाम नहीं कबूल की थी हालत शिरक में वो मदीने से गुजर रही थी तो असमा अपनी बेटी से मिलना उन्होंने चाहा लेकिन असमा ने ऐसे ही इजाज़त नहीं दे दी बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और आकर पूछने लगी कि अल्लाह के, अल्ला के नबी मेरी माँ मुझसे मिलने की ख्वाहिश लेकर आई हुई है अभी वो मुशरिका है क्या मैं उससे मिल सकती हूँ अल्लाह के नबी वसल्लम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मिलो कोई हर्श की बात नहीं बोल के तो बाकायदा उसके बाद असमा बिथे अभी बकरा अपनी माँ को अपने घर बुलाती हैं बिठाती हैं और उनसे भी तोहफे लेती हैं और उनको भी तोहफे वगैरह देती करती हैं तो वहाँ अल्लाह ताला यही बताते हैं कि ला लम युकातिलूकुम वलम युखरिजूकुम कहकर कि वो लोग जो तुम्हारे साथ लड़ते नहीं और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते करते नहीं ऐसा जो काम नहीं करते हैं उनके साथ साथन सलूक करने से अल्लाह ताला तुम्हें रोकता नहीं है तो माँ बाप इस क़दर इनका जो ना दर्जा बुलंद और इतना बड़ा कि आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल जो न जिंदा हैं तो उनके ज़रिए अपने लिए जो न जन्नत का अपने आप को हकदार बना ले उनकी खिदमत करके उनकी खुशियाँ और उनकी जो न कि इन सब बातों का जो है ख्याल करके अपने आप को जन्नत का मुस्तक बनाए लेकिन ये सिर्फ़ ज़िंदगी ही में माँ बाप के साथ हसन सलूक की बात नहीं होती है बल्कि माँ बाप की वफात के बाद भी उनके साथ हसन सलूक की जो सूरतें होती हैं उनमें सबसे सबसे पहले उनके हक में दुआएं करते रहना है उनके हक में कसरत से दुआएं करते रहना हमारी अपनी कोई दुआ हमारे अपने माँ बाप के लिए दुआ किए बग़ैर खाली नहीं होनी चाहिए हमारी हर दुआ में हमारे अपने माँ बाप का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए तो ये उनके लिए सबसे बेहतरीन हसन सलूक है और फिर इसी तरह से उनके ज़रिए से जितनी रिश्तेदारियाँ क़ायम हैं उन तमाम रिश्तेदारियों को निभाते रहना ननियाली रिश्ते ददियाली रिश्ते बाप की तरफ़ से भी रिश्ते हैं माँ की तरफ़ से भी जो रिश्ते हैं तो इन तमाम रिश्तों को निभाना रिश्तेदारियों से उनसे मिलना मिलाना ये सब काम भी करना ये भी उनके साथन सलूक है और इसी तरह से माँ बाप की हयात में जो लोग जान पहचान के उनसे मिलने करने वाले आते थे उनसे मिलना करना और इसी तरह से माँ बाप जिन लोगों को कुछ देते दिलाते थे उन लोगों के लिए वो सिलसिला जारी रखना कि हमारे अपने माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ आप लोग आइए अभी भी आपके लिए हम जो ना उसका इंतज़ाम करेंगे और उनको देते रहना करते रहना ये सब माँ बाप की वफात के बाद उनके साथ किए जाने वाले हसन सलूक की जो तरीक़े हैं हमको ये सब बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई हैं तो बहरहाल माँ बाप के ताल्लुक़ से ये ऐसा मौजू कि इस पर अगर बोला जाए कुरान की आयतें हदीसें इतनी ज़्यादा हैं कि इस पर जो ना घंटे जो ना बोले जा सकते हैं लेकिन मुख्तरा मैंने आप लोगों के सामने कुछ बातें अल्लाह ताला का हक़ और फिर उसके बाद माँ बाप का मक़ाम और उनका हक़ क्या है ये अल्लाह ताला की इस आयत की एक ये या दो आयतों की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी हैं अल्लाह ताली से यही दुआ है कि अल्लाह रब्लम हमें हर एक का हक हमारे अपने खालिक का जो हक है उसे भी पूरा पूरा अदा करने और जिन मखलूक़ात के जो जो हकूक़ हैं और जिन में सबसे ज़्यादा जिनका हक है उन सब का हक पहचान कर सही मानों में हर एक को उसका, उसका उसका अपना अपना हक़ देने की अल्लाह ताला हम सब को तोफ़ी नसीब फरमाए